और 17 रमज़ान को दूसरा वाक़या हुआ है अल्लाह के महबूब की सबसे महबूब बीवी हज़रत आयशा का इंतकाल हुआ। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ, जो आपकी सबसे महबूब बीवी थी। और इस हद तक के कहा, या अल्लाह हाज़ा कसमी फ़ीमा अमलिको फ़ला तो आखिज़नी फ़ीमा तमलिको वला अमलिको। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, मैंने बीवियों में बराबरी की है पर मेरा आयशा से प्यार ज़्यादा है, इस पर मेरी पकड़ ना फरमाना। सुभान अल्लाह, हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझाया। चूँकि हज़रत आयशा छोटी थीं तो उनसे दौड़ लगा रहे। हज़रत उम्मे सलमा के साथ दौड़ नहीं लगाई, सौदा के साथ दौड़ नहीं लगाई, जुवैरिया के साथ, सफ़िया के साथ, उम्म हबीबा के साथ, ज़ैनब के साथ दौड़ नहीं। चूँकि इनको लाड करवाए, लाड छोटी उम्र की रियायत की लाड करवाए। आओ आयशा दौड़ लगाएं, ये हज़रत आयशा ने नहीं कहा दौड़ लगाएं, अल्लाह के नबी ने कहा आयशा आओ दौड़ लगाएं। और एक दफ़ा ने 2 दफ़ा। सुडानी मस्जिद में तमाशा कर रहे थे, आओ आयशा तुम्हें तमाशा दिखाऊं। और दोबारा हबशी आए तो फिर अम्मा जी ने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ। इतनी देर देखा कि अल्लाह के नबी थक गए, खड़े हो थक गए, वो ऐसे पाँव पर जोर डालकर पाँव बदल रहे थे। आटा गूंद के देते थे शुरू में, जो कि हज़रत आयशा को आटा गूंदना नहीं आता था। फिर पास बैठकर 1-2 नवाले मुंह में डाल देते थे। अब आप जो फ़ारिग होके जा रहे हो, कोई साल लगाओगे, कोई किसी की शादी होगी, तो ये मेरी एक नसीहत है कि अच्छे खामिद बन के दिखाओ। और अच्छा खामिद वो होता है जो अच्छे अखलाक वाला। अभी आप छुट्टियों में जा रहे हैं घर, तो अपने वालदैन की खिदमत, बहन भाइयों की खिदमत। वो तबलीग में एक इस्तिलाह चलती थी, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। ये कहा करते थे खिदमत की। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ 17 रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह के महबूब की सबसे महबूब बीवी, पहली और आखिरी खातून जिनके सीने पर सर रखे हुए किसी नबी ने जान दी, वो भी नबियों के सरदार। मातफ़ी सहरी व नहरी का यहाँ मेरे नबी का सर था और आप उनको आसरा दे के इस तरह बैठी हुई थी, और आप थोड़ा सा यूँ नीम दराज थे इस हालत, और यहाँ सर रखे हुए हज़रत आयशा के सीने पर नबी ने जान दी। ये कायनात की वाहिद खातून है जिसके सीने पर सर रखे हुए नबी ने जान दी। और आप फरमाती हैं, आखिरी चीज़ जो मेरे नबी के मुंह में गई मेरा लुआब था, कि मेरे भाई अब्दुल रहमान आए, उनके हाथ में मिसवाक थी, तो अल्लाह के नबी की नज़र यूँ पड़ ऐसे टिक गई मिसवाक पर, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया, या रसूलल्लाह मिसवाक करनी था आपने, तो क्या मैंने अपने भाई से लेकर चबाई तो मेरा लुआब उसे लगा, वो मैंने आपके मुँह में फेरी या आपने ख़ुद फेरी। तो फरमाया वो आखिरी चीज़ जो मेरे नबी के मुंह में गई वो मेरा लुआबे दहन था। और वाहिद ख़ातून है जिनका हुजरा किसी नबी की कब्र बना। हज़रत आयशा का घर ही आपके लिए आखिरी आराम का बना। और कायनात की 2 अज़ीम हस्तियाँ अबू बकर और उमर। एक दफ़ा मस्जिद में दाखिल हुए तो आपके अबू बकर उमर दाएँ बाएँ थे, तो आपने ऐसे दोनों के हाथ पकड़ लिए, कहा हमें देख रहे हो? कहा जी। आपने कहा हा कज़ानो शरयोमल क़यामा, क़यामत के दिन मैं इसी तरह उठाया जाऊँगा कि इधर मेरे अबू बकर होगा और इधर मेरे उमर होगा। तो अम्मा आयशा वो वाहिद ख़ातून हैं जिनका घर मेरे नबी की आखिरी आरामगाह बना, जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, शाम तक दरूद पढ़ते हैं, वो चले जाते हैं, शाम को 70,000 आते हैं, सुबह तक दरूद पढ़ते हैं। ये वाहिद ख़ातून हैं जिनके साथ आप लेटे होते थे तो वही आती थी, किसी और बीवी के साथ आप लेटे होते थे तो वही नहीं आती थी, अम्मा आयशा के साथ लेटे होते थे तो वही आती थी। आपकी बरकत से तयम्मुम मिला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, गुनाह की जुलैखा ने लगाई तो एक बच्चे ने गवाही दी। हज़रत मरियम पर कौम ने तोहमत लगाई तो बेटे ने गवाही दी, और हज़रत आयशा पे तोहमत लगी तो मेरे अल्लाह ने ख़ुद गवाही दी। कितना बड़ा फ़र्क। शहीद शाहिद मिन अहलेहा इनकान कमीसहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़तहु मिनल काज़िबीन व इनकान कमीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बतहु मिनस सादिक़ीन। ये तो आ गई गवाही बच्चे की, शाहिद शाहिद मिन अहलेहा। और क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्यन व जअलनी मुबारका, ये हज़रत मरियम की गवाही। और हज़रत आयशा की इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्क उसबतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रुल लकुम बल हुव ख़ैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु फ़लहु अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला इमाम ज़मख़शरी अपनी तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि पूरे कुरान में अल्लाह कहीं इतना गज़बनाक होकर नहीं बोला जितना इन आयात में गज़बनाक होकर बोला है, जिसमें अम्मा आयशा की पाक दामनी को अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह के नबी एक महीना वही नहीं आई, पूरे मदीने में आग लग गई। वही क्यों नहीं आई तो अल्लाह ही जानता है क्यों नहीं आई। एक बात समझ में आती है ज़बान के जहर को समझाने के लिए कि ज़बान का गलत इस्तेमाल किस तरह घरों को आग लगा देता है, हमें सबक देने के लिए कि ज़बान पे काबू रखना। इस हद तक हालात पहुंच गए कि मेरे नबी गए हज़रत आयशा के पास, आयशा अगर तुझसे गुनाह हो गया है तो माफ़ी मांग ले, अल्लाह माफ़ कर देगा। इस हद तक जहन पर असर हुआ बातों का कि आयशा अगर तुझसे कोई गुनाह हुआ है तो तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर देगा, और अगर नहीं किया है तो अल्लाह तेरी पाकदामनी बयान करेगा। तो आयशा फरमाती हैं 24 घंटे हो गए थे, ना खाया था, ना पिया था, ना सोई थी, सिर्फ रो रही थी। तो एकदम मेरे आंसू खुश्क हुए, उठ के बैठ गई। मैंने कहा अब्बा जान मेरी सफाई पेश करो। अबू बकर वो ऐसे काँप रहे थे कि बेटी मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अम्मा जान उम्मे रुमान मेरी सफाई पेश करो। वो भी कहने लगी बेटी मैं तो कुछ नहीं कह सकती। तो कहीं मैंने एकदम चमक के कहा सच बोलूँगी तो कोई मानेगा नहीं, झूठ बोलूँ तो अपने आप को बुरा कहूँ, बस मैं वो कहती हूँ जो यूसुफ के बाप ने कहा था हज़रत याकूब। कहने कि मुझे गम में हज़रत यूसुफ के वालिद का नाम ही भूल गया। मैंने कहा अक़ूलु कमा क़ाला अबू यूसुफ फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफ़ुन। कहने कि ये कहकर मैं लेट गई दोबारा, और मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में कुरान आएगा। मुझे ये था कि अल्लाह का नबी कोई ख्वाब देख लेंगे या जिब्रील आके कह देंगे ये किस्सा गलत है, लेकिन वो तो कुरान। जब वही उतरी एकदम तो अबू बकर और उम्मे रुमान ऐसे कांपने लगे, चेहरे जर्द होकर मरने वाले होकर कि पता नहीं हमारी बेटी के हक़ में है या खिलाफ है। जब वही ख़त्म हुई तो मेरे नबी मुस्कुराए ज़ोर से, कहा आयशा मुबारक हो, अल्लाह तेरी गवाही देने खुद आ गया। तो उम्मे रुमान कहने की आयशा उठो अल्लाह के नबी का शुक्र अदा करो। कहा नहीं मैं उसका शुक्र अदा करूँगी जिसने मेरी गवाही दी। तो 17 रमज़ान हज़रत आयशा की का इंतकाल का दिन है। तो आज मैंने अपने ऊपर जबर करके बोल लिया है 50 मिनट, अब दुआ करना मुझे सर दर्द ना हो। और 21 की रात है, सबक पढ़ते पढ़ते मेरे लिए आप सब बच्चे दुआ कर दें।